सो गाइस, अभी आपने देखे होंगे शॉर्ट्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शॉर्ट्स। तो ये है हमारा होम स्टे सुमूर के अंदर है, और काफ़ी ब्यूटीफुल होम स्टे है, और हम खा रहे हैं ताज़े ताज़े पेड़ से तोड़े हुए। मैं तो खा रहा हूँ एप्रिकॉट, आप खा रहे हो? मैंने ख़त्म भी कर दिया, ख़त्म कर दिया, ग्रीन एप्पल खा गए तो। और भाई क्या मज़ेदार है, खुद तोड़ के खाने का अलग ही मज़ा होता है, अलग ही मज़ा। सो गाइस, इस ब्यूटीफुल से स्टे के साथ, इस ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर। और आज की जर्नी, कुछ हमारे प्लान में चेंजेस भी आए हैं, क्योंकि जो सैम भाई के बाइक में प्रॉब्लम आई थी उसको लेके। तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी के लिए वीडियो शुरू करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, मतलब सुबह सैम भाई की बाइक ख़राब हुई, उसके बाद हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त थे उनकी बाइक ख़राब हो गई, फिर हम रात को गए हमारे कैंप साइट जहाँ पे हम परसों स्टे किया था, वहाँ पे हमारी लाइट रह गई थी, वो लाइट लेने गए। उसके बाद रात को हम करीबन 40 किलोमीटर डिटूर करके अब आए हैं। तो हम सुमूर में आके हमने रात को स्टे किया, और रात को आके ऐसे सोए कि सोते ही बिल्कुल चित हो गए। तो सुबह उठ के हमने थोड़ा बहुत काम किया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ओके भैया, बाय। चलो निकल पड़े हैं सुमूर से, मनाली के लिए 16 किलोमीटर। भाई साहब, अगर सुमूर किसी को नहीं पता तो सीधा सीधा बता दूं, नुब्रा वैली से राइट साइड में 20 किलोमीटर आगे। भाई नुब्रा वैली के अंदर ही आता वैसे तो ये। हाँ, वैसे नुब्रा वैली के अंदर ही आता। मतलब मजा आ गया, क्या ब्यूटीफुल स्टे था, और आराम मिला, सब कुछ इतना अच्छा था। तो भैया वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई। सो भाई लोगो, आज हमें एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर हम पेंगोंग लेक नहीं जा पा रहे हैं। सो भाई एक्चुअली क्या हुआ, हमें घर से निकले काफ़ी दिन हो चुके हैं, और कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई सैम भाई की बाइक में। अब उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए पेंगोंग में दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलता है। सही बात है, तो ये रिस्क लेना सही नहीं समझ रहे हम लोग। तो इस रीज़न की वजह से हम अपनी डेस्टिनेशन को बदल कर पेंगोंग से मनाली कर दिया है, हम वापस घर की ओर हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है, क्योंकि आगे भी हमें बहुत ज़्यादा ऑफ रोड मिलने वाला है। सही बात है। तो करते हैं इस जर्नी को शुरू, और आप राइट में देख ही पा रहे होंगे क्या ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स है, और सैंड ड्यून्स के सामने बर्फीले पहाड़, अलग ही नज़ारा है यार। सो गाइस, अभी आए थे हम फ्यूल रिफ्यूल कराने, अभी मेरी बाइक पूरी खाली हो चुकी थी, और इसके अंदर आया 1000 रुपीज़ का फ्यूल, 2 जेरिकेन्स छोटे वाले ये हैं, और एक है ये बड़ा वाला। जेरिकेन पूरी सेट है, पूरी सेट है भाई, पूरी सेट है। हिला के दिखाए, अंबुजा सीमेंट का हिसाब किताब है। सो भाई, कल हमारे भाई की बाइक में हो गया था पंचर, यही थी हिमालयन जिसको ठीक किया, आज फिर से मिल गए भाई। लद्दाख में इधर उधर कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो चलो भाई, ये लोग जा रहे हैं पेंगोंग, अब हमें घर निकलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार के लिए पक्का है, पक्का है। हाँ, तो अगली बार हम कैश भी लेके आएंगे भाई। लोग 2000 काट के अभी नहीं ले रहे हैं, हमें खुशी है, बहुत खुशी है। चलें, चलो 499 किलोमीटर। चलो भाई, जर्नी शुरू मनाली की ओर। अरे भाई ये कहाँ गए? पता नहीं भाई, कौन सी जगह आते कोई तो है एक जगह ये। ओ भाई मस्त लग रहा है, पर पतली सी रोड, पानी भरा हुआ है। क्या मज़ेदार नज़ारा है भाई, क्या मज़ेदार नज़ारा है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है भाई। सो भाई लोगों, अभी हम पता नहीं किस लोकेशन पे आ चुके हैं, मतलब रोड की हालत ऐसी, ऐसा कोई बोल नहीं सकता इस पर कभी गाड़ी वाड़ी चलती होगी, बिल्कुल ऐसी रोड है, कभी कोई, मेरे को नहीं लगता इस पर कोई गाड़ी वाड़ी चलती होगी। सैम भाई, हाँ भाई, तो यार लग ही नहीं रहा, दिक्कत देखो खत्म हो गया भाई। पता नहीं क्या हो गया बाइक, बिल्कुल भाई इतनी देर बाद एक गाड़ी दिखी है, हम काफ़ी देर से चल रहे हैं, और इतने देर बाद एक पिकअप ट्रक खड़ा हुआ दिखा है।
ओए होए, और यहाँ ये बिल्कुल अनटच्ड प्लेस है, और यहाँ का नज़ारा देखो। ओए होए सैम भाई, देखना ओ भाई साहब क्या मस्त लग रहा, नीचे रिवर बह रही है और क्या नज़ारा है। तो गाइस यहाँ पे रुके थे भाई, क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, और यहाँ पे हिमालयन मैरमॉट है, हमें देख के डर के भाग गए बहुत सारे, बहुत सारे सब अपने होल्स के अंदर, अपने बिल के अंदर जाके छुप गए। पर यह जो लोकेशन है बहुत ही लाजवाब है, नेचुरल है, और यहाँ पे मुझे लगता कोई आता होगा, कोई नहीं आता होगा यहाँ पे, कोई नहीं आएगा भाई, आ रहे होते तो ये नहीं होते यहाँ पे। भाई यहाँ पे इतनी फ्रेश एयर फील हो रही है ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्रेशनेस है। ओ भाई साहब क्या हुआ, वाटर क्रॉसिंग खतरनाक वाली है क्या? क्या वो भाई वाटर क्रॉसिंग, अब मैं किधर से निकालूं? ओ भाई पत्थर नहीं है ना, सीधे निकल गई आराम से, अभी तक चलते रहिए मेरे भाई। अरे तो रे तो रे तो गई, हाँ गई, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, अरे आराम से निकल गई सैम भाई, आराम से निकल गई। जूते भीगने का भाई, ओए भाई सामने का व्यू भाई, क्या क्लाउडी नजारा है, ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर क्लाउड, बारिश वाले काले बादल, प्योर नेचर। सो गाइस सामने है खरगोश, ये देखो भाग रहा है, वो भागा वो भागा वो भागा, भाग गया। ओ भाई कैसे देख रहे हैं ये सारे, सामने वाले पे देखो, सामने वाले पे भाई देख रहा हूँ मैं, अबे मारोगे क्या? चलो भाई, डरा रहे थे भाई ये तो, कैसे देख रहे हैं, सबके नजर हमारे ऊपर थी भाई। सो गाइस पिछले 2 किलोमीटर से हम पूरे ऑफ रोड चल रहे हैं, और ये रास्ता जाता है वरीला पास को, आई थिंक वरीला पास पार करने के बाद रोड कहीं ठीक होगा, पर वहाँ तक आई थिंक पूरा ऑफ रोड होगा। यहाँ से वरीला पास से भाई कितना किलोमीटर दिखा रहा था, चार किलोमीटर है, पूरा ऑफ रोड पैच है भाई, पूरा ऑफ रोड। और देखो आप सामने देखो, पहाड़ घाटी के अंदर है हम, चारों तरफ पथरीले पहाड़, पथरीले पहाड़, अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, डर भी लग रहा है मज़ा भी आ रहा है। सो गाइस आप देख पा रहे हैं हम वहाँ नीचे कहीं से आ रहे हैं, और सामने का नज़ारा देखो भाई, बहुत ही ख़तरनाक है, पूरा ऑफ रोड रास्ता है, वो सामने पहाड़ों का व्यू, और ऐसे ऐसे कहीं नीचे अंदर से हम ऊपर आए हैं, और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। दूर से स्नो के पहाड़ दिख रहे थे, हम इन्हीं पहाड़ों के अंदर आ चुके हैं, वो जा रहे सैम भाई, आगे हमें स्नो मिलने वाली। क्या हुआ सैम भाई, थोड़े से चक्कर आ रहे मेरे भाई, चक्कर आ रहे, पानी पियो भाई, आगे रास्ता फिर खराब है भाई, आगे मुझे लगता है बर्फ मिलेगी हमें, जंप ही जंप लग रहे हैं ना उसकी वजह से हो रहे हैं। पानी पी लो, हो भाई देख लो भाई, अली का रोड भी ऐसा ही था, लेकिन वहाँ इतना एल्टीट्यूड भी था तो चक्कर नहीं आ रहे थे भाई, कोई रास्ता नहीं है, फुल ऑफ रोड। जैसा जिस टाइम पे मेरे को वो फील हो रहा था ना, पोंटा वाला जो मैंने वो किया था, क्या गुरु जन मार्ग, सेम मेरे को वैसे चक्कर आ रहे भाई, सेम टू सेम। ओहो इधर और खराब हो गया रोड भाई, अबे ये क्या हो गया सैम भाई, ध्यान से शिट यार, हे भगवान कहां ले आया,
बाइक जान नहीं ले रही, पैर रख के चलो सैम भाई, चल लिंदा कर दे छटाई भैंस की कहीं, चलो आगे रोड सही है, आगे रोड सही है, आगे फिर आएंगे ऐसे ही पॉइंट, तो हमारी मेहनत सफल होती है बस। ओ मुझे तो ये लग रहा है हम अब आए हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे, खरदुंगला कुछ भी नहीं था। अब देखो हम कहाँ हैं, जय हिंद जय भारत, हमारे देश की शान आन, मान। सो भाई ये है वरीला पास, हमने सोचा नहीं था हम लोग वरीला पास करेंगे। जय हिंद भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, ऊपर वाले आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया भाई, रुक जाओ तुम, यहाँ व्लॉग होगा। हमने सोचा नहीं था कि आज हम ये करेंगे, ऐसा हमारे कुछ भी माइंडसेट नहीं था कि आज हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, और ये जो एक्सपीरियंस है और जो हमने किया है और जो कॉन्कर करके आए हैं, ये जो अचीवमेंट करी है भाई, बहुत ही लाजवाब है, कर दिखाया हमने, कर दिखाया फाइनली। खारदुंगला वारदुंगला कुछ नहीं है भाई, वो तो नाम के लिए, वहाँ पूरी रोड्स बनी हुई है, रोड्स बनी हुई है, और ऊपर से वहाँ बाइक अच्छे से पिकअप ले रहा था। यहाँ भाई साहब हम जब से नीचे से आ रहे हैं ना, हमें पता है हम पहले दूसरे गियर में कैसे बाइक को खींच रहे, और जब यहाँ टॉप में आ गए भाई, बिल्कुल इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर किसी तरह चढ़ाई है, सैम भाई को आ रहे हैं चक्कर, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, फुल ओवरलोडेड अपनी बाइक से, और सोचो कैसे मैनेज कर रहे होंगे हम लोग। कोई बात नहीं, पर अब हमारी खुशी, कर दिखाया भाई, कर दिखाया, उस टाइम में ही कर दिया, हमें तो पता भी नहीं था हम वरीला पास जा रहे हैं, हमें कुछ भी अंदाजा नहीं था, जैसे एज ऑलवेज मैं बोलता हूं, एकदम से रास्ते में देखा बोर्ड है वरीला पास, और मैंने कहीं वीडियो में देखा था, मुझे याद आया, अरे भाई सैम भाई हम वरीला पास जा रहे हैं, और जैसे हम वरीला पास को, उसके बाद जब खतरनाक ऑफ रोड शुरू हुआ है, ओ भाई, ओ भाई, वेट वेट, कर दिखाया, तो दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ का नज़ारा, कुछ फोटोज और वीडियोज लेते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है खारदुंगला से ज़्यादा बड़ी अकम्प्लिशमेंट है हमारे लिए, कि हमने वरीला पास कर लिया, और ऐसा पास हमने आज तक कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, ये जो हमने पास किया है, ये जो जिस रोड से आए हैं, जबरदस्त, अब जो हमने फिनिश कर दिया है ना, बहुत ही अकम्प्लिश्ड फील कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ही अकम्प्लिश्ड फील कर रहे हैं। चलो कुछ बी रोल्स एंजॉय करो, हम कुछ फोटोज वीडियोस लेते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। सो गाइस, ये था वरीला पास, और यहाँ तक का एडवेंचर बहुत ही एडवेंचरस था, सोचा नहीं था हम यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, नेचुरली अपने आप आ गए, और काफ़ी चीज़ एक्सपीरियंस करी हमने, और ये एक्सपीरियंस है बहुत लाजवाब है, और यहाँ पे आके बहुत मज़ा आ रहा है, और मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलें, पर यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पीछे आप देख पा रहोगे पूरे काले काले बादल हैं, और बयान नहीं किया जा सकता यहाँ की खूबसूरती को। चलो इस नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, चलते हैं और कहते हैं बाय बाय वरीला पास को अगली बार के लिए। और सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है भाई, खारदुंगला वगैरह ये जो है ना, ये पास है खारदुंगला है 17,800 फीट पे, और ये है 17,200, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 फीट का डिफरेंस है ओनली, और खारदुंगला में तो रास्ता बना हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। सो मेहनत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो एक्सपीरियंस है लाजवाब है। इस नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से जर्नी आगे को, सोचा था मनाली तक पहुंच जाएंगे, पर ये तो वरीला पास ने हमारी वाट लगा दी, पर जो आके हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा है
बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और मज़ा आ रहा है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ रहा है। हम तो बोलेंगे भाई शाबाश निम्बस, शाबाश निराली, इन लोगों ने कर लिया और भूल नहीं सकते हम हमने इनके साथ क्या क्या अचीव किया है इन दोनों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि आगे का एडवेंचरस जर्नी शुरू होने वाली है पूरे काले बादलों के अंदर। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड और हमेशा सेफ्टी के साथ राइड करो। टिल देन बाय। बहुत मेहनत हो रही है, सब्सक्राइब कर देना। yes.